मकर और कुंभ राशि पर शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और इन दोनों राशियों पर शनिदेव की 7.5 ढैया या फिर महादशा का कोई प्रभाव नहीं होता। जिन जातकों की राशि मकर और कुंभ होती है या फिर जिन जातकों के जन्म लगन के भाव में मकर लगन या फिर कुंभ लगन होता है, उन लोगों को शनिदेव कोई कष्ट प्रदान नहीं करते हैं। कहा जाता है कि जिन राशि में शनिदेव स्वग्रही या फिर उच्च भाव में विराजमान हो, उन लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है। शनिदेव हमेशा इन लोगों पर प्रसन्न रहते हैं। इन सभी जानकारियों को लेकर हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिषी से बातचीत की। देखिए, जैसा कि ये शनि ग्रह हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है किस राशि पर, तो अच्छा प्रभाव किस राशि पर पड़ता है, मकर राशि और कुंभ राशि, इनकी ये अपनी ही राशि हैं। इसके अतिरिक्त मकर लगन एवं कुंभ लगन, इनको भी शनि ग्रह सकारात्मक फल प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक बात और खास बात यह है, जिन राशियों पर शनि उच्च का चल रहा है एवं स्वग्रही है, जैसे कि अष्टम स्थान में होता है, उसमें दीर्घायु कारक होता है शनि, तो ऐसे ही जो उच्च ग्रह का फल जो प्रदान करता है शनि, तो जैसे कि कुंभ राशि है और या मकर राशि है, इनका तो दोनों का अपना ये अपना ही वो है ग्रह, इनका कुंभ का स्वामी शनि है और मकर का भी स्वामी शनि है। इसके अलावा यदि शनि ग्रह जो है, एक बात बहुत अच्छी है कि शनि न्यायप्रिय ग्रह हैं, वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। जो भी व्यक्ति ईमानदार होता है, सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करना जानता है, अर्थात धर्म कर्म में उसकी आस्था होती है, तो शनि ग्रह उसको कभी कष्ट प्रदान नहीं करते। इसीलिए शनि ग्रह को यदि हमें सकारात्मक बनाना है और हमारा शनि ग्रह अच्छा भी नहीं है, तो भी हम उसके उपाय के द्वारा, दान के द्वारा एवं जप के द्वारा इसका हम सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं।